अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हरमन, आरवी, तुम दोनों को देख के अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों दुश्मनों जैसे नहीं, दोस्त जैसे मिल रहे हो। उन इंसानों जैसे नहीं जो अपने चेहरों पर झूठी मुस्कुराहट और दिल में एक दूसरे के लिए नफरत रखते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि ये सिर्फ हमारे बिजनेस राइवल नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। इनकी जो वाइफ है, हमारी साली साहिबा, उस रिश्ते का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। और वैसे सच को, इनका ये कॉन्ट्रैक्ट जीतना मुझे उससे बहुत खुशी मिली। हाँ, अगर कोई और होता तो शायद दुख भी होता। तो कॉन्ग्रेट्स। अब एक्सक्यूज मी। आह, आरवी, यू एंजॉय, आई विल कैच यू लेटर, प्लीज एक्सक्यूज मी। अच्छा बंदा है। नहीं, गुड मैन। लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे पे नहीं जाना चाहिए युग, अक्सर धोखा दे जाते हैं। क्या बोल रहे भाई, क्या मतलब? ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया था। कैसे? खुशी ने इसको बोला था कि मैं एक बहुत बुरा इंसान, और उसने बिना मुझसे बात किए, बिना मुझसे मिले मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने खुशी का साथ दिया, उसने पुलिस भेजी और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। सोशली बहुत नोन था ये बंदा, काफी पैसे थे, बहुत सारे लोग जानते थे इसको, बड़े बड़े लोग। इसलिए इसकी एक बार बोलने पे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब मेरी बारी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इसको मैं सब बर्बाद कर दूंगा ना, किसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका सब कुछ कब बर्बाद हो गया। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मैं इसके पास भी कुछ बचने नहीं दूंगा। नेत्रा राय सिंह। राजवंश, तुम थोड़ा उस तरफ चल सकते हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? प्लीज। शो Nitra, very impressive. Not bad, I must say. यहाँ आना ही था, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे नहीं आना था तुम्हारे साथ।
कि मुझे इस पार्टी में नहीं आना था, और अब आकर ना आ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहीं आती ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों आई? दादू के लिए, वो चाहते थे हम दोनों यहाँ आए, उनके कहने पे आई और तुम्हारी इज्जत रखने के लिए। समझ ली, सुन ली मेरी बकवास? कि मैं तो बकवास करती रहती हूँ, है ना? तुम जाके पार्टी एंजॉय करो, जाओ। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? लिसन, तुम मुझसे ऐसे बात? मैं अपने चीजू के पास जा रही हूँ, तुम जाकर अपनी पार्टी अटेंड करो। तुम कहीं नहीं जाओगी, और जो तुम्हारा जीजू है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? वो ना बेस्ट चीजू है, और मुझे तो नहीं लगता मैंने उनसे अच्छा इंसान आज तक कहीं देखा है। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम शायद किसी अच्छे इंसान से आज तक मिली ही नहीं हो, क्योंकि जो पहला आदमी तुम्हारे सामने आता है वो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है। अरे देखो, तुम मेरे चीजू के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे। क्यों कर रहे हो? बात ही क्यों कर रहे हो मुझसे आरवी? मैं तो बकवास करती रहती हूँ, क्यों बात करनी है? ओह, मनीषा नहीं है तुम्हारे आसपास, इसलिए मुझसे बात कर रहे हो ना? और कोई लड़की नजर भी नहीं आ रही है ना? चलो अच्छा, सारी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। किस गलतफहमी की बात कर रही हो तुम? ये कि तुम्हारे पीछे पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है, है ना? वैसे अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही। पुरी। बहुत लकी हो तुम। कोई लकी वकी नहीं हूं मैं, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। अभी देखा ना कैसे बिहेव किया उसने मेरे साथ, वो पता नहीं क्यों जीजू की रट लगाए बैठी है। मैं कम हैंडसम हूं क्या मैं उस जीजू से? लड़कियां मरती हैं मुझ पे, और ये छोड़ो यार। अगर तुम चाहो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बेस्ट हो, हैंडसम हो, और लड़कियां हैं तुम्हारे पीछे। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं और कैसा हूं। फिर भी तुम उसे बता ही सकते हो कि इस पार्टी में तुम क्या हो। अच्छा, कैसे? उसे जेलस फील करवा के। देखो, तुम्हें बस उसे ये दिखाना है कि तुम मुझे लाइक करते हो। मैं दिखाऊंगी कि तुम मुझे हैंडसम लगते हो, और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, यू नो ऑल दैट। ये अच्छा आइडिया जेलस फील कराने का। तो वहाँ चलें उसके पास, उसके सामने बात करेंगे, उसे जेलस फील होगा। अच्छा, परफेक्ट। तुम चलो, मैं ड्रिंक लेती हूँ। उसकी ड्रिंक में मैं वो टैबलेट मिलाने वाली हूँ। देख रहे हो आरवी, तुम हो तो ऑलरेडी मेरे, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? क्या यूं कहूं कि उस पूर्वी से तुम्हें दूर करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।